ठीक है पहले मेरी बात सुन लो पूरी। सुनो मायरा, ठीक हो तुम? हाँ बैठे, क्या हो गया? देखो अब बहुत बातें घूमी यार, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो उसका सपना है, जो भी चीजें है, उसने मुझे बताया कि ये बीच मतलब कि ना मैसेड होना करना, ये चीजें करना, ठीक है, हाथ काटना, इस क्योंकि इतनी जल्दी रिश्ता भेज दिया उसने, घर पे चीजें कर दी। और तुम्हें एक चीज पता है, मतलब कि उसने जान देरी से राइड कर लिया उसने। ठीक है, वो कहता है ना ठोकर लगता है तो इंसान समझता है, मुझे अब ये समझ में आ गया है कि तुम आते ही सबसे पहले तुमने स्टोरी लगाई, सब कुछ किया लाइव। हे गाइस, वेलकम बैक टू मायरा के प्रैंक। तो आज कोई प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली, आपको बताया कि कौशल किडनैप था, ठीक है, और मेरी उससे बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई, मतलब किसी की भी नहीं हो पा रही है। उसके बाद जब आया तो अभी घर पे है और मुझे पता चला कि वो घर पे है, मैंने दीपक से बात किया, मैंने अभी इससे कोई बात नहीं की, मैंने कहा कोई बात नहीं करूँगी, सीधा जाके मिलकर ही बात करूँगी। उसके कॉल आए, मुझे आते आते कॉल आए, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, वो पता नहीं गुस्से में होगा, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, वैसे भी इमेज मेरी इतनी गंदी हो चुकी है। तो मैंने दीपक से बात कर लिया था, दीपक बोला है कि ठीक है वो ऑफिस में आने ही वाला है, घर से सीधा ऑफिस पे ही आएगा, तो तुम वहाँ पहुँच जाओ, और मुझे टाइमिंग सब बता दिया था। मैं आई, कैमरा सेट किया, मैंने रिएक्शन देखना है उसका कि गुस्से में कैसा रिएक्शन है, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं उठाया उसका। तो अभी आएगा तो बात करूँगी, मिलूँगी, मैं मतलब इतनी खुश हूँ ना, इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था कि फ़ोन करूँ, बात करूँ, वीडियो कॉल करूँ, पर मैंने कैसे कंट्रोल किया ना कि मुझे मिल के बात करनी थी, मुझे मिल के उसका रिएक्शन देखना था, उसे गले लगाना था, उससे बातें करनी थी, उसको समझाना था, सबसे बड़ी बात उसे डांटना था कि ऐसे कहीं भी अकेले, पिछली बार भी जो भी चीज़ें हुई थी मैंने बहुत समझाया, मैंने दीपक ने सबने बहुत समझाया, फिर भी वो कुछ नहीं समझता है। और भगवान बस इतना थैंक यू सो मच कि वो वापस आ चुका है अब, और मैं मिलने जा रही हूँ, फाइनली मिलने जा रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम बाद हमारी बॉन्डिंग सही होने लगी थी, बातें होने लगी थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो चुके हैं अब बिल्कुल भी नहीं, अब पहले जैसा सब कुछ करना है मुझे, सब कुछ बातें करनी है, सारी चीज़ें करनी है, सब कुछ ठीक करना है। तो कौशल का वेट करते हैं, जैसे ही आएगा कैमरा ऑन करेंगे और दिखाएंगे कैसे, ठीक है, वेट करते हैं, कौशल आने वाला है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कौशल आ चुका है। दीपक, दीपक, कैसे हो तुम? यहाँ पे कैसे? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी ना, गुस्से में नहीं हो तुम? तो बहुत खुश लग रहे हो यार। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं आ गई थी, मेरी दीपक से बात हो गई। तो यहाँ पर तुम कब आई? पहले आधे घंटे पहले आई हूँ। तो कल दीपक कहाँ है? पता नहीं, मतलब वो नहीं था ऑफिस पे। क्या था? मैं तो बालकनी से देख रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ देखे? तुम छुप गई, क्या हो गया तुम्हें? है? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा ठीक हो तुम? हाँ बैठे, क्या हो गया, क्यों रही हो? इतने दिन बाद देख रही हूँ ना। पागल, अरे तुमने उठवाया था ना मुझे? हाँ, मैंने किडनैप करवाया था ना, वो जबरदस्ती शादी को क्या कहते हैं, जबरन ब्याह करवाने के लिए। और कैसा था सब कुछ? तुम गुस्सा नहीं हो मुझसे? नहीं, फोन नहीं उठा रही थी ना तुम्हारा। अच्छा, फोन उठाने से तुम सोच रही हो वो जो ऐसा कुछ हो गया सीन तुम्हारे साथ ले गया उठा के, इस कारण से गुस्सा तो नहीं है? तुम्हारा क्या गलती? सारा गलती तो मेरी थी ना उसमें, वो गलती मेरी क्या, वो उसको समझ नहीं थी ना, उसको भाई को समझ थी, उसके भाई ने थोड़ा कदम उठा लिया और मतलब कि उसने जान देरी से राइड कर लिया उसने। बहुत लंबी कहानी थी भाई, मुझे तो पता नहीं था वो ऐसा कुछ सीन होगा मेरे साथ। तुम कौन से पार्क में गए थे कौशल? कहाँ गए थे, क्यों गए थे? मुझे करना था तुम्हारा प्रैंक, ठीक है ना, करना था उस दिन, तो मैं तुम्हें मतलब ऐसे मान लो कि इंट्रो ले रहा था। तो तुमने मुझे कॉल किया था? मैं कॉल करने जा रहा था पहले, जैसे नहीं किया था ना तुमने कॉल, वैसे ही कॉल करने जा रहा था मैं, वैसे ही उन्होंने आके रास्ता पूछ लिया, ठीक है, रास्ता पूछा, रास्ता बताया, फिर उसके बाद अलग ही चीज तुमने देखा। देखा मैंने, और लोगों को ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें उठवाया, सब कुछ तुम्हें पता है ना कैसे कैसे चीजें हुई है। बताओ यार, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? मैं इससे भी बुरा कर सकती हूँ। क्या बोलते, बहुत लव यार वो, जब मुझे पता बहुत दुख हुआ था सुन के, मतलब किसी भाई सुसाइड कर लिया, ये चीज सुन के उस टाइम मुझे पता नहीं था उसका भाई है क्या है नहीं है, जब उसने बताया मैं सारी बात तो मुझे फिर अफसोस हुआ, मतलब यार मैंने साथ गलत किया उस दिन, गलत किया था मैंने क्या कि तुमने कोई गलत नहीं किया था, तुम्हें थोड़ा ना पता कि कौन तुम्हें पसंद कर रहा है, क्या है, क्या चीजें हैं। नहीं ऐसा था ना, लड़की ने मुझे पसंद किया, मैंने प्रपोज किया, मैंने हाँ बोल दिया, मैं सिंगल था, मैंने हाँ बोल दिया।
अब मुझे नहीं पता था कि वो लड़का लाइक करता है उसकी लड़की से, मतलब मुझसे प्यार है, मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है। अब उस वो लड़का पसंद करता था उसको, क्यों तुम भी पसंद करते थे क्या उसको? अब जब यार उस टाइम मैं भी सिंगल था ना, सिंगल थे तो किसी को भी हाँ कर दोगे? पागल तो आज की बात नहीं है, मतलब बिना जाने पहचाने किसी को भी हाँ कर दोगे क्या? पुरानी बात है वो, आज की बात नहीं है, जब तुम मिली भी नहीं थी। अच्छा नहीं मिली थी? हाँ फिर आगे जब जबकि बात है वो 3 साल पहले की, उस लड़के ने प्रपोज किया, मैंने हाँ बोल दिया उसको, उस टाइम मैं भी सिंगल था, ठीक है। अब भाई उसके भाई ने सुसाइड वगैरह कर लिया उसके लिए, मतलब कि तो तुम्हें नहीं पता था वो ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं था ना, बॉयफ्रेंड नहीं था, मतलब अच्छा लड़की नहीं पसंद करती थी, सिर्फ लड़का पसंद करता था। हां उसे कर भाई, उसे तो कदम उठा लिया यार, गलत चीज है ना। अगर आपको कोई पता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरा नहीं हो सकता, तो क्या जरूरत है सब हरकतें करने की? प्यार करता भी है, चला के छोड़ के सुसाइड करना क्या है यार? सुसाइड नहीं करना चाहिए, पता किसी इंसान को भी उसने किया सुसाइड वगैरह, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हो जाता है इंसान कमजोर, हो जाता है प्यार, कमजोर कितना भी हो जाए, माँ बाप नहीं है यार, चीजें वगैरह लगती है, सुसाइड होना करना, ये चीजें करना, ठीक है, हाथ काटना, ये चीजें ना बहुत बेकार है। तो वो तुमसे क्यों बदला ले रहा था? उसने मुझसे कहा कि मेरा भाई मरा तेरे वजह से, ठीक है, अब मेरी शादी महिला से होगी, जब छोड़ूंगा तुझे मैं यहाँ से, मैं मतलब बहुत मुश्किल से निकला हूँ वहाँ से, बहुत मुश्किल से, मुझे पता कैसे निकला वहाँ से, कैसे मैं निकला हूँ, पूछ सस्ते निकला हूँ कैसे, मुझे पता हो क्या क्या मैंने किया है वहाँ पे, कैसे भगाऊं रात में वहाँ से। थैंक यू कौशल, तुम आते ही सबसे पहले तुमने स्टोरी लगाई, सब कुछ किया लाइव, क्योंकि मैंने आते ही देखा ना, अच्छे से रात में यहाँ पाया, ठीक है, पहले रात में मेरे साथ पहले सीन हो गया था, ठीक है, नैप वगैरह पहले भी हो चुका है मेरे साथ, तो एक होता ना इंसान चलो घबराता है, डरता है कि क्या इंसान करेगा, मगर इतना वो डर नहीं था मेरे अंदर कि क्या करेंगे वो, ठीक है ना। बाकी फिर ये था कि मैं आया, मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर नाम आया सारे, ठीक है, मैं आया, मैंने देखा, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, फटाफट मैंने देखा तुम्हारे, तो मैं तुरंत तुरंत मेरे लाइव आया, जल्दी लाइव आ गई, फिर मैंने स्टोरी लगाई यूट्यूब पे कि मेरा गलत नहीं है, मेरे से कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें मैंने सब कुछ बताया। फिर मैंने देखा, मैंने दीपक से बात की, दीपक ने बताया कि उसने उन्होंने वीडियो भेजी मेरे पास एक बना के, मैं वीडियो दिखा, ठीक है, वो वीडियो मेरे सामने छोटे में वीडियो में था सब कुछ, पूरी बहुत लंबी कहानी यार, बहुत चीज़ें ऐसी हुई ना वहाँ पर, बहुत बस ये कि हाँ चलो बड़ा शुक्र है कि कुछ मैंने अच्छा किया होगा, मतलब कि किसी साथ में जो मैं बच जाता हूँ, हमारे पास चीज़ें अच्छी हो जाती है मेरे साथ, बस इतना है कि जब तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हें क्यों कुछ होगा? साइको भाई और साइको वो लड़का जो अपने भाई का बदला ले, चलो यार बहुत बुरी बात है यार, वो ऐसा उसने हरकत की, ठीक है, लेकिन उसमें ना तुम्हारी गलती थी ना कि उस लड़की की गलती थी, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। पता लगाना है कि जो उसके माँ बाप थे वो कहाँ हैं? मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, हर किसी से मैंने पूछा, उसने ये चीज मुझसे बोली थी बाद में कि जो तुझे होता है ना मेरे माँ बाप पकड़ लेगा तो मेरे माँ बाप नहीं है वो। हाँ तो नहीं है क्योंकि वो भाग चुके थे, हाँ उसके माँ बाप नकली थे वो। अब बहुत बातें होंगी यार, समझो नहीं यार क्या ऐसा हुआ है, क्या क्या गेम खेला उन लोगों ने यार, बहुत गंदा गेम खेल रहा, पता है गंदा गेम खेला है। मैं घर तक कैसे भी पंडित जी से पता लगा के गई, अचानक से रिश्ता आना, ठीक है, अचानक से ये सारी चीजें होना, पंडित जी से सीधा नहीं, हमें कल के कल ही मिलना है बिल्कुल भी। उसमें देखा होगा तुमने जो मैंने क्रिस्टल शूट करवाया था, उसमें मम्मी ने कहा है कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, वो तो इतनी जल्दी बात करके आए थे, ये सब पता नहीं क्या प्लानिंग थी, सब प्लानिंग थी, उस टाइम पे समझ जाते तो इतना कुछ नहीं होता। बस उसका असर ये है ना कि इस चीज से हमें ये पता चल गया है कि दो लोगों के बीच की लड़ाई का फायदा कोई चीज़ उठा ही लेता है। हाँ। उसने ऐसा ही किया है, उसको पता है कि हाँ मैं किसी लड़की को नहीं देख सकती हूँ तुम्हारे साथ ये सारी चीजें देख के, और वो काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा था काफी टाइम से, फॉलो कर रहा था वो, ठीक है, उसने उसको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया तुमसे अलग होने, लड़ाई तुमसे मौका ढूंढ लिया क्या गेम खेलते हैं यहाँ पे, वो गेम खेलने निकल गया। वो पता है ना प्रैंक करते तब भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, उसमें तो रियल में लड़की आ गई थी सामने, इसी कारण से क्योंकि इतने जल्दी रिश्ता भेज दिया उसने, घर पे चीजें कर दी इतनी। और तुम्हें एक चीज पता है, मेरे और खुशबू के बीच भी सब सही हो रहा है, हाँ, क्योंकि जो अंकल आंटी का हम पता लगाने जा रहे थे उसमें मैंने जब मेरी दीपक से बात हुई तो दीपक ने कहा कि कहाँ फोन वोन बंद है, तो मैं कोई भी, मैं चाहती थी कि मैं जो भी करूँ ना खुद से करूँ, मैं ना किसी की हेल्प नहीं लूँ, फिर दीपक से बात हुई, दीपक ने कहा मैं आऊँगा, फिर दीपक को मैंने बताया, उसके बाद मैंने खुशी से बात की, खुशी ने मुझे कॉल किया, सब किया, मैंने खुशी को बुलाया और फिर बुला के, मतलब इतनी ज़्यादा इन 6-7 दिनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, सही है। गलत देखो खुशी भी गलत नहीं है, पता है एक दोस्त थे हम दोनों, दोस्त थे हम, ऐसा नहीं कि बीच में, मतलब कि ना मैं गलत हूँ खुशी गलत है, मैं तुम्हें के लिए बताता हूँ, देखो दोस्त थे हम, दोस्त थे बस खाली, उसके ऊपर कुछ नहीं था, तो तुम्हारे माइंड में, दीपक के माइंड में, अपने के माइंड में थोड़ा बहुत आ गया था, ठीक है, गलत बुरा गुस्सा मत माना, वो बुरा माना, ठीक है, वो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत है या नहीं मगर हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था ना, उसने मुझसे आज तक बोला कि कौन सा तुम्हें लाइक करती हूँ ना, मैंने उससे बोला, हमारे से कुछ बात नहीं हुई ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये कि मैं वापसी आ गया अब तो खुश रहना, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे खुशी को रख लूँ क्या ऑफिस पे। अरे तुम सहेली बन गई हो ना, सहेली बन गई हो तो क्या ऑफिस पे रख।
वो ऑफिस में नहीं रहेगी, पर मैं सोची हूँ ना कि जैसे हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे थे साथ में काम करना, जो चीज़ें थी, अब मैं सोच रही हूँ कि खुशबू वापस गांव ना जाए, अपने घर ना जाए, ठीक है, जो उसका सपना है, जो भी चीज़ें हैं, उसने मुझे बताया कि ये उसकी चीज़ें थी। पर इंसान जब गुस्से में रहता है ना, उसके सामने कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, सच्चाई हो, वो नहीं देख पाता है, ठीक है, वो बस अपने मन की सुनता है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा गुस्सा तुम्हारा तो ये है कि लड़की को आगे बगल में, तो बस बस वही चीज़ है। हाँ गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, ठीक है, अभी तुम किडनैप होके आए हो इसलिए मैं थोड़ा तुम्हें पैम्पर कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें बताती अच्छे से। क्या बताती अच्छे से? कि खुशबू तुम दोनों की गलती थी या नहीं थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती नहीं, पर अब मुझे ये समझ में आ गया है, ठीक है, वो कहता है ना ठोकर लगता है तो इंसान समझता है, मुझे अब ये समझ में आ गया है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मुझे तुम्हारे साथ रहना है। भैया ने मुझे बताया कि जो गैप होता है ना, तो इंसान को वो मौका ही मत दो कि उस गैप में घुसने की कोशिश करे। तो गैप कैसे आता है? लड़ाई झगड़े से, विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो वो चीज़ें मैं नहीं करूँगी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्लियर रहूँगी, तुम्हें भी अपनी तरफ से क्लियर रहना है अगर तुम चाहते हो कि रिश्ता रहे तो, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हें बता दूं कि मैंने कैमरा लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही थी। देखो ना, और कौसा सुनो, सबसे बड़ी बात जो मैंने तुम्हें इतने सालों से समझाते आई हूँ, जब से तुम एक्सपोज कर रहे थे, लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि लोगों की हेल्प करने से पहले अपने आप सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, ठीक है। अब तुम्हारी टीम इतनी बड़ी है, सब है तुम्हारी टीम में, ठीक है, भैया भी हैं, तो अकेले सिब्बू को लेके चलेगा यार, वो कैमरा संभालता, तुम्हें संभालता, ठीक है, तो कहीं जा रहे होगे, तुम्हें प्लान करना, कौसा पहली बात तो सुनो, ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो पूरी। अभी तुम्हें पता चल गया तुम्हारे कितने दुश्मन है, ठीक है, किडनैपिंग के बाद भी मैंने तुम्हें बहुत रोका था हर चीज करने से, इस टाइम तो पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, मैं डेली यहाँ आऊंगी, ठीक है, जहाँ जाना है मेरे साथ जाओगे, ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कहीं जा रहे हो शूट वूट करने, हेल्प करने किसी की भी, तो तुम चार लोगों को साथ लेके जाओगे, चार लोगों को साथ लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। हाँ, गुड बॉय। अब तुम बताओ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो भी चीजें थी, मतलब वहां से वो भाग गया ना शिबू, तो मुझे उसमें चला गया, हाँ चलो शिबू तो बचा, शिबू तो, क्योंकि वहां पे मैं जब, अगर शिबू को भी उठा ले जाते हमें कोई अपडेट नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे देखो मैं, मुझे मन क्या सुंगाते थे ना, उसके बाद मुझे याद नहीं क्या था, ठीक है, मैं जब वहां पे गए, मुझे खोला बोला रस्सी, मतलब जैसे बांध रखा था, मैं देखा शिबू नहीं है मेरा, फिर मैं खुश हो गया, शिबू तो नहीं यहाँ पे, शिबू वहाँ ऑफिस में बता दिया उसने, मुझे इतना पता था वो ढूंढ लेंगे सब यहाँ मिलके, बस ये था खुश था, बाकी चीज़ें जो भी है अच्छा होगा, और जो रस्सी में लिखा होगा वो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो अब मैंने कह दिया ना, खुशी सब कुछ हम मिल गए हैं, तो हमारी मस्ती चालू होगी, मस्ती चालू होगी। दूसरी बात, और दूसरी बात बताओ, तुम बताओ फिर। दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, ठीक है, लगा रखा उस डब्बे के पीछे, देख लो यार तुम बहुत कमजोर हो गए। नहीं यार, मैं अब करने वाला हूँ जिम स्टार्ट, जिम स्टार्ट करो, जिम का ब्लॉग बनाओ, ठीक है, कायरा ब्लॉग पे भी अपडेट रहो, कायरा ब्लॉग पे नहीं, कायरा ब्लॉग पे नहीं, कायरा ब्लॉग पे कुछ और करने वाला हूँ, ठीक है, मैं भी न्यू चैनल द्वारा खोलने वाला हूँ एक और जो भी हो, क्योंकि उस पर मैं कुछ और अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट्स वीडियो की अपडेट आई है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस पर मतलब शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को दिखाऊं, मतलब ये एक होता है ट्रेलर टाइप का होता है, मैं उस पर दिखाऊं आप लोगों को, बाकी मैं न्यू चैनल एक और खोलने वाला हूं, ब्लॉग मतलब ये होने वाला है, वो भी पता किस नाम से खुलेगा अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग अभी सर्च करोगे, ठीक है, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक बनाया नहीं चैनल को, मैं बनाऊंगा तो मैं अपडेट सब चैनल पर दूंगा, सारी चैनल पर अपडेट दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और क्या होगा अगर उसमें सारे ब्लॉग होंगे जिम से लेके हर चीज़ लेके हर टाइम, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे कि मैंने टैप देखा है कि ब्लॉगिंग जो बंदे करते हैं तो वो इतना दिखाते नहीं है, जो हम दिखाएंगे ना वाला दिखाएंगे, उस पर चैलेंज वीडियो, सारी वीडियो, हर चीज़ वीडियो उस पर आएगी, सारी वीडियो आएगी और मज़ा आएगा बहुत, तो बाकी बने रहो, ठीक है ना, देखते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा एक दिन में। और आप लोगों को बोलने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।